हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीकेगा इस लेक्चर में सेकंड क्लोज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर में। सो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है अपने को कैश अकाउंट। क्या दिया हुआ है? कैश अकाउंट। कैश क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट। इसका मतलब वो क्या है? रियल अकाउंट है। क्या है वो? रियल अकाउंट। सॉरी, कैश कैश अकाउंट। उसके बाद दिया हुआ है सेकेंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रोहित अकाउंट। रोहित जबकि एक पर्सन का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। रोहित अकाउंट के बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर ये क्या होती है? हमारी एसेट। और एसेट मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर रियल अकाउंट। उसके बाद में दिया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉर्पोरेशन का नाम है, इसलिए ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में दिया हुआ है गुडविल। ये जो गुडविल है, ये गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट है। सो ये इंटेंजिबल एसेट है, मतलब रियल अकाउंट है। सो ये हो गया गुडविल अकाउंट। उसके बाद में दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है ये क्या है? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में प्रीपेड इंश्योरेंस। ये है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ये है इंश्योरेंस प्रीपेड, मतलब आपने जो इंश्योरेंस है वो क्या किया हुआ है? एडवांस में पेड किया हुआ है। तो यहां लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। अकाउंट ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में दिया हुआ है ट्रेडमार्क। क्या दिया हुआ है? ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क है ये क्या होता है आपका? ये होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट। तो ये इनटेंजिबल एसेट है, मतलब रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट। ट्रेडमार्क के बाद में दिया हुआ है कमीशन। सो कमीशन जो है वो हमारा आ जाएगा कमीशन जो है ये है होता है हमारा एक्सपेंस और इनकम। तो कभी कमीशन पेड है तो इसका मतलब वो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड है तो इसका मतलब वो इनकम है। तो कमीशन जो है वो इनकम और एक्सपेंस दोनों भी दिया होता है, दोनों भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे ना पेड के लिए बोला है ना रिसीव्ड के लिए बोला है, तो हम इसे इनकम एक्सपेंस समझ के नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे कमीशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट वन दिया हुआ है कमीशन के बाद लोन अकाउंट। ये जो लोन अकाउंट है ये लोन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है ये? रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए ये हो गया पर्सनल अकाउंट।
मतलब ये आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने लोन लिया हुआ है, किसने लिया है, किसी पर्सन ने या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया हुआ है। तो ये हो गया लोन। लोन के बाद में दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये जो ड्राइंग है ये है नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब मैंने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उन कॉन्सेप्ट में बताया था ड्राइंग किसे कहते हैं। ड्राइंग कहते हैं उसे जब कोई बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कोई कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, टेकन करता है, विड्रॉ करता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद ड्राइंग्स के बाद में नेक्स्ट वन दिया हुआ है एंड लास्ट है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है ये भी इनकम और एक्सपेंस में होता है। इंटरेस्ट आप पेड भी करते हो, किसी को देते भी हो, और इंटरेस्ट जो है वो आप किसी से क्या करते हो, लेते भी हो। तो इंटरेस्ट जो है वो इनकम और एक्सपेंसेस में आता है। और यहाँ ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव दिया है ना पेड दिया है, बट इंटरेस्ट जो है वो क्या है, इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जो इनकम और एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए हम लिखेंगे उसको नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट। ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने क्या करना था, क्लासीफाई करना था डिफरेंट अकाउंट्स में कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है एंड कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब पर्सनल अकाउंट में आने वाली जो चीज है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अगर सपोज दैट यहाँ पे सिर्फ सैलरी होता, आउटस्टैंडिंग नहीं होता, सिर्फ सैलरी होता, तो ये जो सैलरी है तो ये सैलरी क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पर्सनल अकाउंट, ओनली सैलरी मतलब नॉमिनल अकाउंट। सेम यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। प्रीपेड अगर नहीं होता, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम होता या इंश्योरेंस होता, तो ये जो इंश्योरेंस है ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता। अदरवाइज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रीपेड दिया है, मतलब ये आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, तो ये है आपका अभी फिलहाल प्रीपेड है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। अगर सिर्फ यहाँ पर इंश्योरेंस दिया होता तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से हमने क्या करना है, अकाउंट्स को, दिए हुए अकाउंट्स को डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासीफाई करना है। सो थैंक यू।